वेलकम टू वीडियो 15 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज एंड आज की इस वीडियो में हम पीएस रेशियो एंड पीवी रेशियो को यूज करके कैसे किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को फाइंड आउट करना है इसके बारे में देखेंगे। सो पिछली वीडियो से हमने अर्निंग रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, लेवरेज रेशियोज, एसेट मैनेजमेंट रेशियोज, मार्जिन रेशियोज को कवर अप कर लिया एंड आज की इस वीडियो से हम वैल्यूएशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उन्हें जाकर पक्का देखिए क्योंकि उन वीडियोस को देखकर आपका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा एंड आप अच्छे से रेशियो एनालिसिस पार्ट समझने लगोगे एंड आप अच्छे से लिंक कर पाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पीएस रेशियो होता क्या है। पीएस रेशियो मतलब प्राइस टू सेल्स रेशियो एंड इसका फॉर्मूला है मार्केट कैप ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स और टोटल रेवेन्यू। पीएस रेशियो में बताती है कि कंपनी की 1 रुपए सेल्स के पीछे इन्वेस्टर्स को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। पीएस रेशियो को हम सेल्स मल्टीपल या फिर रेवेन्यू मल्टीपल भी कहते हैं। पीएस रेशियो बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव वैल्यूएशन रेशियो है किसी स्टॉक की वैल्यू निकालने का, क्योंकि इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यूज होते हैं, स्टॉक प्राइस एंड रेवेन्यू, जो कि आपको किसी भी वेबसाइट में बहुत इजीली मिल जाएंगे। किसी भी कंपनी के लिए अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट करना एक फंडामेंटल ऑपरेशन है एंड पीएस रेशियो की मदद से हम उस कंपनी के एक्चुअल ऑपरेशंस को वैल्यू कर सकते हैं। कंपनी अपनी अर्निंग्स को कभी भी मैनिपुलेट कर सकती है बट वो अपनी सेल्स फिगर को कभी नहीं कर सकती एंड यही बात इस वैल्यूएशन रेशियो को बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है। आप ऐसी बहुत सी कंपनीज को जानते होंगे जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन अभी के टाइम पे लॉस मेकिंग है, लाइक जोमेटो, पेटीएम एक्सेट्रा, एंड इनका पी रेशो भी नेगेटिव है एंड इसीलिए हम इन सब कंपनीज को पी रेशो से वैल्यू नहीं कर सकते। ऐसे में काम में आती है पीएस रेशो, जिसको यूज कर हम इन कंपनीज की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। पीएस रेशो को एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। सपोज किसी कंपनी की मार्केट कैप 1000 करोड़ की है और उस कंपनी के एनुअल सेल्स हैं 1100 करोड़, तो उस कंपनी का पीएस रेशो हो जाएगा मार्केट कैप दैट इज 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स दैट इज 1100 करोड़ इज इक्वल टू 0.9, जिसका मतलब ये है कि कंपनी के 1 रुपए सेल्स के लिए हमें 0.9 रुपीज देने पड़ रहे हैं, जो कि काफी वैल्यूएबल भी है। हालांकि पीएस रेशो जितना ज्यादा कम होगा उतना ही अच्छा होगा किसी स्टॉक के लिए, लेकिन अगर हम आइडियल पीएस रेशो की बात करें तो अगर पीएस रेशो 0.75 से कम है तो ये काफी अच्छा साइन है। वही अगर पीएस रेशो 0.75 से 1.5 के बीच में है तो हम इसे गुड पिक भी कह सकते हैं, बट अगर पीएस रेशो 3 से ज्यादा है देन वो काफी रिस्की हो सकता है एंड ये हमें ये भी बताता है कि कंपनी काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड है। हमें किसी भी कंपनी की पीएस रेशो को उसके पीयर से कंपेयर करना चाहिए, इससे हमें ये पता चलेगा कि पूरी इंडस्ट्री में कंपनीज का क्या सीन है पीएस रेशो को लेकर एंड इससे हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। सपोज इंडस्ट्री में सारी कंपनीज का पीएस रेशो 2 से ज्यादा है एंड हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी का पीएस रेशो 0.9 है, तो हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ कंपनी एक अच्छी वैल्यूएबल पोजीशन पे है एंड हम इसे बाय करने का सोच सकते हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि सिर्फ पीएस रेशो के बेसिस पे इन्वेस्ट मत करना, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इन्वेस्टिंग की दुनिया में हमें बहुत सारे मेजर एस्पेक्ट्स को कवर करना होता है एंड पीएस रेशो भी उन सारे मेजर एस्पेक्ट्स का एक पार्ट है। अब मैं आपको पीएस रेशो को लाइव देखना बताता हूँ। सबसे पहले गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए screener.in, देन इस वेबसाइट पे जाके आप जिस भी कंपनी की पीएस रेशो को देखना चाहते हो उसको सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस को देखना चाहता हूँ तो रिलायंस सर्च करूंगा एंड यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको प्राइस टू सेल्स रेशो दिख जाएगी एंड रिलायंस की प्राइस टू सेल्स रेशो है 2.92। अगर हम TCS की देखना चाहें तो TCS दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको TCS की पीएस रेशो दिख जाएगी, TCS की पीएस रेशो है 6.79। HDFC बैंक की देखें तो एंड HDFC बैंक की पीएस रेशो है 5.60। अगर हम पेज इंडस्ट्रीज की देखें तो पेज इंडस्ट्रीज की भी पीएस रेशो है 14, मतलब ये बहुत ही ज्यादा ओवरवैल्यूड स्टॉक है। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट रेशो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीवी रेशो क्या होती है, मींस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो क्या होती है। पीवी रेशो बहुत ही वाइडली यूज्ड रेशो है एंड पीवी रेशो निकालने के लिए हम 2 चीजों को यूज करते हैं, स्टॉक प्राइस एंड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कंपनी की टोटल नेट। प्राइस टू बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब आप ये पूछोगे कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बुक वैल्यू पर शेयर होता है कि कंपनी के एक शेयर के पीछे हमें कितने एसेट्स मिल रहे हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू यानी कंपनी की टोटल नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब अगर हम कंपनी के करंट प्राइस को उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दें तो हमें पीवी रेशियो मिल जाएगी। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी की टोटल नेटवर्थ है 1 करोड़ एंड उसके टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग है 10 करोड़, इसका मतलब अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक शेयर के बदले 10 रुपए के एसेट्स मिलेंगे। अब सपोज अगर किसी कंपनी का मार्केट प्राइस है 20 रुपए एंड आपका बुक वैल्यू पर शेयर है 10 रुपए, तो 20 डिवाइडेड बाय 10
हो जाएगा 2 रुपए, यानी अब कंपनी के 1 रुपए एसेट को खरीदने के लिए हमें सिर्फ 2 रुपए देने पड़ रहे हैं। हालांकि पीवी रेशो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा, लेकिन अगर हम एक आइडियल पीवी रेशो की बात करें तो किसी भी कंपनी का अगर पीवी रेशो 1 से कम है तो उसे हम डिजायरेबल एंड हाईली अंडर वैल्यूड मान सकते हैं। वही अगर 1 से 3 के बीच में है तो इसे हम एक्सेप्टेबल कह सकते हैं, बट अगर किसी कंपनी का पीवी रेशो 3 से ज्यादा है तो ये काफी रिस्की है एंड ओवर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पीवी रेशो एसेट हैवी एंड एसेट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए काफी क्रूशियल है, लाइक रियल एस्टेट, इंफ्रा, बैंकिंग एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। वहीं पीवी रेशो आईटी कंपनीज के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि आईटी कंपनीज एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती है एंड उन्हें अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए हैवी एसेट्स लाइक मशीनरी प्लांट्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी कंपनी की पीवी रेशो को देखते टाइम उसकी आरओई को भी देखें। अगर किसी कंपनी की पीवी रेशो 1 से कम है एंड उसकी आरओई बढ़ रही है तो ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। एंड एक चीज और याद रखना, आप पीवी रेशो को एनालाइज करते टाइम उन कंपनी से दूर रहना जिनके ऊपर बहुत ज्यादा डेट है या फिर उनके एसेट बहुत ज्यादा डेप्रिसिएट कर रहे हैं। चलो इसको भी एक बार लाइव एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए screener.in। तो जिस भी कंपनी की आप पीवी रेशो को देखना चाहते हो उसको यहाँ पे सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस को देखना चाहता हूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री सर्च करूंगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको पीवी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखने को मिलेगी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज की पीवी रेशो है 2.54। ऐसे ही अगर मैं TCS की देखना चाहूँ तो TCS की पीवी रेशो है 14.6, मीन्स की ये बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही अगर मैं पेज इंडस्ट्रीज की देखना चाहूँ तो पेज इंडस्ट्रीज की पीवी रेशो है 51। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा है ये। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि आईटी सेक्टर में पीवी रेशो का इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं आता, इसलिए TCS की इतनी ज़्यादा पीवी रेशो है। अगर हम रियल इस्टेट में कोई देखें, लाइक अगर मैं प्रेस्टीज को देखूं तो प्रेस्टीज की पीवी रेशो है 2.81। आप यहां से एक अनुमान लगा सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने पीएस रेशो एंड पीवी रेशो को इन डिटेल डिस्कस कर लिया एंड अगर आपके कुछ डाउट्स बचे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.